हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम निहार, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस टॉपिक में बताने वाला हूँ अबाउट कॉपीराइट के बारे में। सो गाइस, वीडियो स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब जो जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको पता नहीं होता है अबाउट कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में और कॉपीराइट क्लेम के बारे में। सो गाइस, पहले मैं बता दूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। गाइस, अगर आपके चैनल पे कंटिन्यू 3 महीने में 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपके चैनल को डिसेबल कर दिया जाएगा। और गाइस, कॉपीराइट क्लेम वो होता है कि मान लो आप सपोज दैट कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो और उस वीडियो में आपने कोई सॉन्ग डाल रखा है जो कि किसी और का है। सो गाइस, वो उस पर क्लेम करता है। उससे क्या होता है कि आपके वीडियो से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू का वो पार्ट पूरा पूरा जिसने आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम किया है उनके पास वो चला जाएगा। सो गाइज, ये वो डिफरेंस होता है अबाउट कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बारे में। सो गाइज, अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको ऐसा क्या करना है जिसकी वजह से आपके वीडियो पे या फिर आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम ना या फिर कॉपीराइट ना है। सो गाइज, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक डिस्क्लेमर डाल रखा हुआ है, एक आप स्क्रीनशॉट देख लोगे। सो गाइज, सिंपल बस आपको इस डिस्क्लेमर को आपको लिख के रखना है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो या फिर कोई आप कवर सॉन्ग बना रहे हो जिसमें आप मान लो कोई गाना वगैरह या फिर कोई सॉन्ग्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो जो कि किसी और का है। सो गाइस, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस डिस्क्लेमर को जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में लगा हुआ था या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको बस आपको सिंपल बस आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे एंड में आपको लिख रखना है। इससे लिखने से क्या होगा कि यूट्यूब भी देखता है कि यार ये जो यूट्यूबर है इसने जो कंटेंट जो यूज़ किया ये सिर्फ और सिर्फ एज अ यहाँ पे नॉलेज पर्पस के लिए यहाँ पे सिर्फ यूज़ किया गया है। तो इससे क्या होता है कि आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि कितने ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अपने अर्निंग को रिवील करते हैं, जो कि यूट्यूब के फंडामेंटल में ये लिखा हुआ है कि आप अपने अर्निंग को रिवील नहीं कर सकते, बट देन ऑल्सो वो देखेंगे आपके उनके वीडियोज़ पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसी वजह से आता है क्योंकि वो वहाँ पर डिस्क्लेमर डाल के रखते हैं जो मैंने लिख रखा हुआ है। तो इसके वजह से कि YouTube वो चीज़ को देखता है कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है, ये इसका और कोई इसका यूज़ नहीं है, इसके वजह से उनके वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। सो गाइज, मैं एक बार बता दूँ कि मेरे वीडियो पे भी एक बार कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, तो मैंने भी उसे इसी तरीके से हटाया था क्योंकि मुझे उसमें पता नहीं था कि कैसे उसको हटाना है। मुझे बस सिंपल पता था कि वहाँ से एडिट करके मैं उस पार्ट के गाने को हटा दूँ, बट फिर मुझे बाद में पता चला कि इस टाइप से अगर आप कॉपीराइट क्लेम का डिस्क्लेमर आप लिखते हो तो आपके वीडियोज़ पे नहीं आएंगे। तो गाइस, मेरा तो आपसे बस यही कहना है कि आप जब भी कोई वीडियो बना रहे हो, कुछ भी ऐसे बना रहे हो कि आप नए यूट्यूबर हो, आपको पता नहीं है कि कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम कैसे आ सकता है, तो गाइस इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इन डिस्क्लेमर्स को यूज़ करना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने आप लिख रखा हुआ, प्लीज़ इसके वजह से आपके ही वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा जिससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। सो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे आपके आप सब लोगों के साथ शेयर करना। सो गाइस, मैंने शेयर कर लिया है। सो गाइस, इस चीज़ का जाके आप यूज़ करो अपने वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम आने से बचाओ अपने वीडियो को। सो गाइस, अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप जो बता सकते हो, या कोई क्वेरीज है, या आपको अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चंस करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, वहाँ पे जाके चेक करो, जाके मुझे फॉलो करो और वहाँ पे जाके आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो को आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करने को मैंने आपसे कह दिया है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जाके ऑन करो। सो गाइज, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।